नमस्कार, मैं सिमी चौहान, आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आंखों में कामयाबी के सपने, दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत लिए लाखों लोग देश से प्रदेश में जाते हैं। ये लोग अपने और अपने समाज को लेकर, उनका उत्थान या उनके उनको बढ़ावा देने के लिए संगठन बनाते हैं बाहर जाकर। ऐसी ही एक संस्था से हम आपको मिलवाएंगे, पूर्वांचल जन कल्याण संघ। ये हरियाणा की पहली पूर्वांचल की संस्था है जिसके पदाधिकारियों से हम आज आपको मिलवाएंगे और उनकी अब तक के सफर से आपको रूबरू करवाएंगे। मैं आपको मिलवाती हूँ संस्था के पदाधिकारियों से। उपेंद्र राय जी अध्यक्ष, रविंद्र यादव महासचिव, डॉक्टर दीपक सैनी प्रवक्ता, सुरेश यादव संस्थापक सदस्य, गुलाब यादव पूर्व उपाध्यक्ष, मुरलीधर संघ कोषाध्यक्ष, देवी दयाल उपाध्यक्ष, प्रिंस यादव सह कोषाध्यक्ष, रमेश यादव वरिष्ठ सदस्य। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हरियाणा की पूर्वांचल की पहली संस्था है, यानी कि सबसे पुरानी संस्था है। सर, आप लोगों ने जब ये संस्था बनाई तो किस उद्देश्य से बनाई थी और कब ये शुरू किया था आपने? देखिए, संस्था का निर्माण 1986 में हुआ और संस्था को बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि जितने हमारे पूर्वांचल से लोग यहाँ आए तो उनको अकेलापन ना महसूस हो, ऐसा ना लगे कि वो यहाँ पे अकेले हैं, उनके सुख दुख में कोई साथी नहीं है साथ देने के लिए। तो इसलिए इस संस्था का निर्माण किया गया और 1986 में सबसे पहली बैठक हुई जिसमें मारुति के अधिकतर सदस्य थे। मारुति कंपनी के लोगों ने मिल करके इस बारे में सोचा और इसको आगे बढ़ाया और 1986 में संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया और जब से लेकर के आज तक विधिवत ये संस्था अपने संविधान अनुसार चलती आ रही है। और आज तक की बात करें, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हैं, शैक्षिक कार्यक्रम हैं और मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी कार्यक्रम संस्था करती आ रही है। और इसके अलावा 1986 से लेकर के हम 90, 92, 95 तक की बात करें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिहार से आए हुए लोगों को थोड़ा हे दृष्टि से लोग देखा करते थे, तो उस सोच को काफ़ी हद तक हम लोग बदल पाए हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो 99% ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इस क्षेत्र में संस्था ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है और बहुत हद तक सफलता हम लोगों को महसूस हुई है। जी अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी आप इस संस्था के अध्यक्ष हैं, क्या आप आगे करना चाहते हैं और क्या मोटिवेशन लेकर आपने ये संस्था को शुरू किया था? जी, तो आपसे, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ पूर्वांचल भवन, पूर्वांचल जन कल्याण संघ। विजन तो बहुत लंबी है और इस विजन के साथ साथ चल रहे हैं कि पूर्वांचल जन कल्याण संघ के पास सारे संस्थाओं में, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे संस्थाएँ सबसे पुरानी संस्था के अलावा इनकी विजन हर क्षेत्र के। देखिए, हमारे संस्था सिलाई सेंटर अभी चल रही है, दूसरी स्कूल भी हम लोगों ने चालू कर दिया है जो हमारे दूसरी धर्मशाला में है और बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे छठ पूजा हो गया, विश्वकर्मा पूजा हो गया, अभी राजेंद्र बाबू का मैंने स्थापना मूर्ति कराया। इसके अलावा भी ये है कि जो हमारे इस जो पूर्वांचल समाज से जो बच्चे हैं, जो बहुत मीडियम क्लास है, उनको जो उनको पूरा नहीं मिलता है शिक्षा, उसके लिए भी हम पूरा संस्था और मेरे यही विजन है पूर्वांचल जन कल्याण, पूर्वांचल समाज के लिए। महासचिव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि सर बता रहे हैं कि पूर्वांचल के जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लोग हैं उनको सारी सुविधाएं देना, क्या आप लोग इस चीज़ में कामयाब हो पाए हैं? मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक हम उसमें धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। 1992 में हरिनगर में हम लोगों ने अपने पैसे से ज़मीन लिया, धर्मशाला बनाया और पूर्वांचल जन कल्याण संघ की एक्टिविटी को देख करके हरियाणा गवर्नमेंट ने 2014 में बॉन्ड दिया और हरियाणा गवर्नमेंट के पटल पर पूर्वांचल जन कल्याण संघ का नाम है। और आज भी इस जगह को मैं बताऊंगा सब, शादी विवाह में लोग अपने कम खर्चे में कर लेते हैं, यहाँ पर जगह मिल जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गार्डन वगैरह कितना महंगा होता है, तो पूर्वांचल के लिए जहाँ भी करो कम है, लेकिन हम सबकी कोशिश है, पूर्वांचल जन कल्याण संघ की कोशिश है कि जहाँ तक हो सके समाज के साथ हम चलें और उसके पक्ष में काम करें और अच्छे काम करें। सुरेश यादव जी संस्थापक सदस्य हैं, सर आप
आप संस्था के सदस्य हैं, सदस्य के तौर पर आप कैसे इस संस्था की प्रोग्रेस देखते हैं? क्या देखिए, हम लोगों का विजन जो था कि शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक क्षेत्र में हम काम करें, अपने लोगों को जोड़ें, जिनसे जैसे धार्मिक में हम तीज त्यौहार जो भी होता है उसको हम मनाते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर मनाते हैं। हमें अकेलापन कोई, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, वो अपने को अकेलापन न महसूस हो, हर चीज़ त्यौहार में इकट्ठे होकर एक साथ मनाएं, सुख दुख में एक साथ हों। हम लोग इसमें ज़्यादा तरह से हम कारगर भी हैं, हमारे लोग अब हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनकी सुख सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में भी हम करते हैं कि हमारे समाज के जो मेधावी छात्र हैं वो अपने पूर्वांचल भवन में उनको हम बुला करके पुरस्कृत करते हैं, अवार्ड देते हैं, जिससे बच्चों को मनोबल बढ़ता है और होता है। और सर एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूँगी यहाँ पर, अवार्ड देने से मनोबल बढ़ता है, क्या केवल अवार्ड देने से मनोबल बढ़ता है? जी, वो और जो इतने लोग और पर बच्चे यहाँ एकत्रित होते हैं उनको वो महसूस होता है कि हम भी कुछ करें, हम भी ऐसे पढ़ें, हमारा परसेंटेज अच्छा है, ताकि हमें भी स्टेज पर सम्मानित किया जाए और अवार्ड मिले। गुलाब यादव जी, सर आप पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और आप किस तरह से इस संस्था में अपनी भूमिका निभा रहे हैं? मुरलीधर जी, कोषाध्यक्ष सर, आप अकाउंट संभालते हैं, मतलब संस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो कहीं कुछ हेर फेर या वैसा कुछ? प्रवासी एक्सप्रेस को बात अकाउंट की है तो जब से संस्था हम लोगों ने बनाई है, पहले की तो नहीं, मगर 2014-15 से लेकर के अब तक का संस्था का जो भी आय व्यय होता है पूरा हम ऑडिट कराते हैं, इसी से ऑडिट करा करके बाकायदे रजिस्ट्रार ऑफिस में दिया जाता है, वहाँ से अप्रूवल होता है और हर साल का पूरा रिकॉर्ड, वाउचर ले लीजिए, फाइल लीजिए, बैंक का, अकाउंट का, कैश का, और जहाँ तक हेरा फेरी है इस संस्था में, जब तक से हम लोग हेरा फेरी के तो कोई सवाल नहीं होगा। वैसे ज़्यादातर संस्थाओं में हेरा फेरी सबसे ज़्यादा अकाउंट में होती है, वो मानते हैं मैडम, मगर हमारे यहाँ सारा कुछ बिल्कुल पारदर्शिता में है, यहाँ पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों तैयार है। जी, बहुत अच्छी बात है सर, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। चैलेंज है हम लोगों का, कोई भी हम लोगों का संस्था का जो भी है व्यक्ति कभी भी देख सकता है, कोई ऐसी यहाँ दिक्कत नहीं है, और इस संस्था में तो ऐसा नहीं, और संस्था की तो मैं कह ही नहीं सकता। फिर आप पूर्वांचल जनकल्याण संघ में अकाउंट के मामले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देवी दयाल जी उपाध्यक्ष सर, आपकी क्या भूमिका है आपकी संस्था में और आप कैसे इसका आगे और बढ़ाना चाहते हैं? रमेश यादव जी, जैसा कि आप वरिष्ठ संस्था के सदस्य हैं तो आप मतलब शुरू से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है संस्था की? किसी को मालूम है कि कोई मशहूर
कंपनी में काम करता है वो क्या होता है सता करती है। एक पैसे ऐसे दिया हम भर गया हमारी सत्ता में उसको जितना हो सका मुआवजा दिया है। प्रिंस जी सह कोषाध्यक्ष हैं आप सर, आप सबसे युवा हैं और क्या मोटिवेशन या क्या उद्देश्य लेकर चलते हैं आप? अध्यक्ष जी आप लोगों का जहाँ तक मेरी जानकारी है पूर्वांचल का वोट बैंक बहुत बड़ा है, तो आपने कभी कोई चुनाव लड़ा है या आगे कुछ ऐसा? क्योंकि आप लोगों का जब संगठन इतना बड़ा है तो कम से कम अपना एक नेता या अपना कुछ खास अच्छे पत्ते होना जरूरी है, तो क्या सोचते हैं इस बारे में? बात है मैडम, और दोनों विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या हमारी वोट है और कोशिश तो बहुत सारे से कर रहे थे, लेकिन इस बार मुझे है कि ये मैदान में नगर निगम के चुनाव में भी उतारेंगे और विधानसभा चुनाव में भी उतारेंगे और हम सक्षम है मैडम। ये शुरुआत वही मैंने कहा क्योंकि पूर्वांचल का वोट बैंक बहुत बड़ा है जी, तो बिल्कुल, और हमारे पूरा पूर्वांचल समाज हम इकट्ठे हो रहे हैं, जितने संस्थाओं को मेरी जिम्मेवारी है उनको मैं एक साथ रह के और एक छतरी के साथ नहीं चाहता हूं कि सब बिखर के रहें और रहें, और वोट बैंक तो है ही, उसका और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और आगे यदि मेरा परिवार कोई इलेक्शन लड़ता हो तो जरूर इसमें सफल होंगे। डॉक्टर साहब जैसे सर ने कहा कि आगामी चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, तो क्या तैयारियां हो रही हैं और कैसे हो रही हैं? आप जोर शोर से कर रहे हैं, हमारे सबसे पहले अपने घर को मजबूत कर रहे हैं, हमारे पूर्वांचल के जितने संगठन हैं हम कहीं ना कहीं एक एक संगठन के पास पहुंच रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और जो भी सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए या जो भी योग्य व्यक्ति है चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो निकल के बाहर आए और कम से कम 5 से 6 नगर निगम सीटों पे पूर्वांचल की दावेदारी बनती है वहाँ पे हम अपनी दावेदारी को ज़रूर प्रस्तुत करें। तो इस कड़ी में बिल्कुल हम लोग पिछले 1 साल से लगे हुए हैं और बहुत हद तक कभी कामयाबी के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग नाम की घोषणा करेंगे, सारे समाज मिल के करेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी एक से, क्योंकि अगर चुनाव लड़ना है समाज के नाते लड़ेंगे, अकेले बिल्कुल अपना ढिंढोरा बिल्कुल नहीं पीटेंगे। सर जैसा कि पूर्वांचल समाज, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो पूर्वांचल समाज को क्या सुविधाएं देने के बल पे लड़ेंगे या फिर सारे जो बाकी समाज है उसको भी इकट्ठा करके चलेंगे? देखिए अगर चुनाव की हम बात करें, हम नगर निगम की बात करें, विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, सुविधाएं जो होंगी वो सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल के लोगों की होंगी ऐसा नहीं है, वो सर्व समाज के लिए है, चाहे उसमें हमारे हरियाणा के भाई हैं या किसी और प्रदेश से आकर के यहाँ प्रवासी हैं उनके लिए, सबके लिए होंगी सुविधाएं। ये कड़ी है क्योंकि हमारा एक वोट बैंक है। अगर मैं बात करूं, आप देखिए 1980, 82, 83, 84 की बात करूं, उस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रवासी यहाँ आए थे तो वो पूर्वांचल के लोग आए थे और पूर्वांचल के लोगों ने इस शहर को मिलेनियम सिटी बनाया है, पूर्वांचल के लोगों ने इस शहर को साइबर सिटी बनाया है। बहुत गर्व होता है हम लोगों को कि एक रिक्शा चलाने से लेकर के, एक रिक्शा चालक से लेकर के और कंपनी के CEO, CEO, IPS, IAS, HPS हमारे पूर्वांचल समाज से हैं और बहुत बढ़ चढ़कर काम करते हैं, उद्योगपति हैं जिनके अच्छे कंपनीज चल रही हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़े लार्ज स्केल पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो हमारे समाज में हर तरीके के लोग हैं और वो सब लोग आगे आएंगे, साथ में आएंगे जब ही समाज का भला हो सकता है। और रही बात सुविधाओं की, जो देखिए एक मूलभूत सुविधाएं हैं कि अगर नगर निगम की बात करें तो पक्की सड़कें होनी चाहिए कॉलोनियों में, सीवर की लाइन प्रॉपर होनी चाहिए, पानी का कनेक्शन प्रॉपर आना चाहिए, हाउस टैक्स लोग जमा करें तो उस हिसाब से लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो इसके पीछे तो ज़रूर हम कार्यरत रहेंगे लेकिन हाँ
कुछ चीज़ें हैं जो इसके अलावा हटके करने की ज़रूरत है, जैसे हर वार्ड में या वार्ड के नज़दीक में कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल हो, उनको लाने की कोशिश करेंगे। जो सरकारी स्कूल ऑलरेडी हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं बतौर पार्षद उस स्कूल पे निगरानी रखने का काम जरूर करेंगे ताकि शिक्षा में कमी ना आ जाए। आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि जितने सरकारी स्कूल है, आप एक आम बच्चा चला जाए एडमिशन लेने के लिए नहीं कर पाते हैं, जब उसके लिए भी एक पार्षद का और एक विधायक का सोर्स लगवाना पड़ता है। इस प्रथा को ख़त्म करनी है। आज प्राइवेट स्कूल्स का मन इतना ज़्यादा बढ़ गया है वो इसी वजह से, क्योंकि सरकारी स्कूलों पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं ये वार्ड में एक बहुत बड़ी कमी आज के डेट में पूरे गुड़गांव में है, तो उसके लिए ज़रूर हम कार्यरत रहेंगे। एक एटलीस्ट एक फर्स्ट एड की डिस्पेंसरी होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कार्यरत रहेंगे। एक एम्बुलेंस सेवा कुछ ऐसा हो कि ताकि एक कॉल पर एम्बुलेंस मिले, उसके लिए कार्यरत रहेंगे। तो ये सब मूलभूत सुविधाएँ हैं जो यहाँ के निवासियों को मिलनी चाहिए। उन्होंने पैसा दिया है या हाउस टैक्स भर रहे हैं। आज नगर निगम के किसी क्षेत्र में चले जाइए, जितना काम होना चाहिए था उतना काम है नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं 40% 50% पे आके अटक। सर, पूर्वांचल की यहाँ पर कम से कम 40 संस्थाएं हैं जो मेरी जानकारी में है, तो ऐसे में आप कहाँ खुद को मानते हैं, सबसे ऊपर कैसे है? मतलब आप चुनाव लड़ेंगे तो वो 40 संस्थाएं भी तो हैं। मैंने जैसा कहा, और 40 नहीं है, गुड़गांव में करीबन 65 के ऊपर संस्थाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, हमने पहले ही बताया कि चुनाव अगर होगा तो पूर्वांचल समाज समर्थित कैंडिडेट ही उतारा जाएगा, जो कि इन 65 के 65 संस्थाओं से सलाह मशवरा करके और एक मत आकर के उसके बाद ही कैंडिडेट को उतारने के विचार है। ऐसा नहीं है कि हम, अगर सर वो लोग एक मत नहीं हुए आपके साथ नहीं आए तो क्या करेंगे? होंगे, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है, बिल्कुल है, एक मत होंगे। और एक मत क्यों नहीं होंगे, जो लोग यहाँ अगर 30-35 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, तो उन्होंने देखा है, उन्होंने वो दौर देखा है जब कितना शोषण हुआ करता था, उस शोषण से बाहर निकल कर आ जाए हैं। आज 40 साल से हम स्थानीय नेताओं के थैले ढो रहे हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, उस इल्ज़ाम को ख़त्म करना है हमें। तो कहीं ना कहीं है, पूरा समाज मिल करके अगर एकजुट आएगा तो ज़रूर होगा। और ऐसा नहीं है कि किसी भाई को हम साथ छोड़ देंगे, उसको भी उस पंक्ति में ला करके ही खड़ा करेंगे कि इसी लाइन में ही चलना है। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि बहुत इल्ज़ाम लगते हैं पूर्वांचल की संस्थाओं पर, पूर्वांचल नहीं, मैं मानती हूँ कि सारी संस्थाओं पर, सभी संस्थाओं पर इल्ज़ाम लगते हैं, तो आपको एक अपने मुंह से ऐसा वाकया बताइए जो आपने फेस किया हो अपनी संस्था के लिए। यहाँ के स्थानीय नेताओं से बहुत सुना है, बहुत सुना है कि वो पूर्वांचल वाले तो बिक जाते हैं, चाहे वो किसी चीज़ पे बिके या कुछ ऐसा होता है, जबकि आज तक का रिकॉर्ड है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, या तो वो स्थानीय नेता जो ये कहते हैं, जो ये अफवाह उड़ाते हैं, सामने आए, कैमरे पे नाम बताएं, किसको पूर्वांचल समाज से किसको उन्होंने पैसा दिया है, चाहे चवन्नी दिया है, चाहे अठन्नी दिया है, वो आकर के यहाँ खड़े हों। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आता, हमारे पास ऐसा कोई भी किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं आता, कुछ नहीं। हम स्वतंत्र होकर के काम करते हैं, स्वतंत्र तरीके से, किसी के साथ जाना पड़े किसी के साथ नहीं जाना पड़े वो हमारे अपना स्वतंत्रता है। वोट देना एक डेमोक्रेटिक राइट है, उस डेमोक्रेटिक राइट को हम बखूबी समझते हैं, और वो बिल्कुल डेमोक्रेसी के हिसाब से ही हम चलते हैं, हम किसी प्रलोभन में नहीं आते हैं। और अगर ऐसा कोई स्थानीय नेता कहता है तो मेरा चैलेंज है, आए और कैमरे के सामने नाम बताए ये फला आदमी लेता है। सर, समाज को पता चलना चाहिए ऐसा कौन आदमी है जो पूरे समाज को बेच रहा है। सर, सामने आकर तो लोग नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं लोग कि हाँ, ये संस्थाएं केवल पैसा कमा, गुमनाम पर्चियां हैं, गुमनाम पर्ची बना करके दे दे बिना नाम के, कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर भी मान लेंगे, गुमनाम पर्ची बना के दे दे कोई अगर ऐसा कहता है तो स्थानीय नेता। और रही बात है कि पैसा कमाने के जहाँ को, तो मुझे देखिए फिर कह रहा हूँ कि 65 संस्थाएं हैं, 65 संस्थाओं के काम करने के अपने तरीके हैं, उनके अपने संविधान है, नहीं है, क्या है, वो उनका घर है अपना, वो अपना घर को कैसे संभाल रहे हैं उससे हमें नहीं पता। लेकिन जहाँ सर्व समाज की बात आती है, हमने ये कई मौक़ों पर देखा है कि सर्व समाज इकट्ठा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल इकट्ठा होता है। आप प्रिंस हत्याकांड देख लीजिए, इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, 10 मिनट के अंदर बच्चे की हत्या हो जाती है, और सुबह 8:15 बजे से लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लाठियाँ खाई हैं उस केस के लिए, हमने सब किया, और सर्व समाज की ही मजबूती थी कि वो केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, सरकार को करना पड़ा। जितनी जल्दी सर्व समाज इकट्ठा होता है उतनी जल्दी मतभेद भी होते हैं, क्यों आखिर ऐसा? कहीं ना कहीं से एक अफवाह की तरह उड़ते हैं, जिसको लोग कुछ हकीकत मान लेते हैं कुछ नहीं मानते। अगर मेरे पास कोई अफवाह आती है, मेरा ये राइट बनता है कि मैं डायरेक्टली खड़े होकर के सवाल करूं कि ये क्या आपने ऐसा कहा या नहीं कहा, लेकिन यहां लोग नहीं करते। अफवाह और ज्यादा फैल जाती है जब मैं वो बात किसी तीसरे से करना शुरू कर देता हूँ, मैंने तो ये सुना, मैंने तो वो सुना, या उन्होंने ऐसा किया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं गुजारिश करूँगा अभी पूर्वांचल के तमाम संगठनों से, अगर कोई ऐसा चर्चा आता है आप डायरेक्ट जाइए, बैठिए, बात कीजिए और मसले को ख़त्म कीजिए। उपेंद्र राय जी, सर
क्या आपको लगता है कि जो बाकी संस्थाएं हैं वो आपका भरपूर साथ देंगे और आप चुनाव में उतरेंगे, और किस किस बेस पे कहते हैं कि आप उतरेंगे अगर तो जीत मिलेगी? 20-25 साल से सब बिल्कुल भरे हुए हैं। सारे संस्थाएं ने हमें फ़ोन करके बुलाया, मीटिंग भी मैंने एक दो किया है, उनका भी आया कि भाई इस बार तो होना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे मुझे कैसे पता चलेगा। रहेगी आपने जनरेशन की बात कहे, अभी हमारे 60% जो है ना युवा पूर्वांचल के हैं, जो उनको ये भी नहीं पता है कि मैं पूर्वांचल से हूँ, क्योंकि उन्होंने जन्म यही लिया, एजुकेशन सारे लिया और नौकरी भी कर रहे हैं। उनका भी चाहत है कि एक बार हमारा पूरा समाज आए और उस वोट को हमने भी भागीदारी दिए और इकट्ठे हो जाएंगे मैडम। और आपको बताऊँ, मेरे यहाँ चुनाव होता है, मेरा तो एक्सपीरियंस है, 3 बार चुनाव हुई है बैलेट पेपर से। और मैं तो ये नगर निगम के छोटा सा ब्लॉक होता है, हमारे चुनाव होता है तो मानेसर से लेके और द्वारका तक वोटर है उनको हम लोगों ने करते हैं, तो एक्सपीरियंस है। और उम्मीद है कि सारे हमारे संस्था के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाएंगे। कहा था कि आपने कि भाई पैसे लेते हैं, मैडम मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पैसे कैसे लेते हैं, मैंने भी लिया हूँ पूर्वांचल भवन, तो चंदा से संस्था चलती है और तनख्वाह से घर चलती है, तो चंदा तो लेते हैं, चंदा नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि हमारे जरूरत है मैडम पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए, ये सब चीज़ नहीं करेंगे। आज हम बैठे हैं हजारों के संख्या में बैठते हैं, तो ये चीज़ चंदे से हुआ है और ताकत हमारे पास है पूर्वांचल समाज का, पूर्वांचल जन कल्याण संघ सबसे पुराना संस्था। तो सर आपने जो चंदे से ये बनाया, इसमें आपको कितना बचा, कितना आपकी जेब में गया? और हमारे तो मैं तो कह रहा हूँ कि 10 रुपये से लेके और मैंने 50,000 तक भी चंदा काटा हूँ, और अपने पूर्वांचल परिवार से, एक रिक्शा वाला से भी उतना ही लिया हूँ। वो मुझे यदि 50 रुपये दिए हैं तो मुझे लगा 50,000 के बराबर है। अब बताया इन्होंने कि जो बहुत सारे हमारे उद्योगपति हैं पूर्वांचल परिवार के, वो लोग संस्था दिए। और बगल में हमारा 100 गज के है, 2 मंजिल बना हुआ है, वो चंदे से है। और इसमें भी जो सरकार के अलावे जो काम होती है, आज बैठे हैं सारे चंदे से काम करते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगी, कोई एक संस्था का जो सबसे सुखद अनुभव रहा हो कि हाँ आपने ये काम बहुत अच्छा किया? मैं एक गिनवाना बहुत मुश्किल है, मैं देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि है हरियाणा जैसे क्षेत्र में पूर्वांचल समाज के लिए पूर्वांचल जन कल्याण संघ निर्माण करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सन 1986 से आज हम 2023 में बैठे हैं, आज तक विधिवत और संवैधानिक रूप से ये संस्था चल का निर्माण हुआ। अपने परिचय देते हुए हमने हरियाणा सरकार से बिना 1 रुपये पूर्वांचल समाज का लगाए हुए हमने पूर्वांचल भवन हासिल किया। इस भवन का सदुपयोग पूरी तरह कर रहे हैं, चाहे वो सिलाई सेंटर में हो, गरीब दुखियारों बच्चों की शादी कराते हैं, किसी को मुफ्त में देना होता है मुफ्त में देते हैं, नहीं तो बहुत न्यूनतम स्तर पे हम इस पूर्वांचल भवन को बच्चों के शादी के लिए देते हैं। इसके अलावा चाहे वो देश हित में हो, चाहे समाज हित में हो, चाहे हमारे गुड़गांव हित में हो, जितने ऐसे काम हैं वो सारे काम किए जाते हैं। कंप्यूटर के कोचिंग चलती है, समय समय पर हमारे ये मेडिकल के कैंप्स चलते हैं, आई कैंप्स चलते हैं। नेपाल में भूकंप आया था, नेपाल बाढ़ राहत कोष में हमने यहाँ से प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे भेजे थे। बिहार में बाढ़ आया था, बिहार के लिए हमने पैसा भेजा। गुजरात में आया था, गुजरात के लिए हमने पैसा भेजा, यहाँ से सारे पूर्वांचल परिवारों ने पैसा इकट्ठा करके। इससे मिलने से पहले 102 गज का संस्था ने अपने पैसे से जमीन खरीदा, वहाँ 2 मंजिला बना रखा है, वहाँ भी आज एक अच्छा स्कूल चल रहा है, वहाँ भी एक सिलाई सेंटर का प्लानिंग है कि खोली जाए। तिरंगा यात्रा हो, हमने पूरे गुड़गांव में दिखाया तिरंगा यात्रा। छठ पर्व यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मनाया, और आज इस कदर मना रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने छठ पर्व करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले पूर्वांचल जन कल्याण संघ ने ही सामूहिक रूप से छठ पर्व का शुरुआत किया था, 2006 से शुरुआत किया था। 2006 में पहला छठ पर्व मनाया गया था ज्योति पार्क में, उसके बाद लगातार हम लोगों ने 2015 तक हमारे शीतला माता मंदिर में छठ पर्व का आयोजन हम ही लोग करते आए थे। 2016 से पूर्वांचल की दूसरी संस्था कर रही थी, तो कोई ना कोई करता आ रहा है आज भी हम लोग करते हैं सारे के सारे इस तरीके के पर्व। तो तमाम उपलब्धियाँ हैं, यहाँ जितने शोषण थे शोषण में बहुत काम किया, पुलिस वालों को लाइन हाजिर तक कराया जिन्होंने एक्शन नहीं लिया। अभी रिसेंटली का अभी 1 हफ्ते पुराना केस है, एक आदमी गुजर गया साइट पे, कंस्ट्रक्शन वर्कर गुजर गया, उसके लिए लड़े, 3 लाख का मुआवजा उसको दिलवाया। उससे पहले एक बिल्डर से 7 लाख का मुआवजा किसी को दिलवाया, 1 से 5 लाख का मुआवजा किसी से दिलवाया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी संस्था के लिए और आने वाले चुनाव के लिए। तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बात की पूर्वांचल
जन कल्याण संघ, और इस समय हम पूर्वांचल भवन में ही बैठे हुए हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम पूर्वांचल भवन में ही चल रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इन लोगों के लिए, ये लोग ऐसे ही संस्था के लिए काम करते रहे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।